दोस्तों Q1 FY19 रिजल्ट का सीजन खत्म हुआ है और सीजन खत्म होने के बाद तीन ऐसे स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया है जो हमारे मुताबिक लगता है कि सॉलिड बहुत जबरदस्त Q1 FY19 का परफॉर्मेंस इन तीन स्टॉक्स ने दिया है। इनका एक्सेलेंट फाइनेंशियल ट्रेंड्स दिखा है और इनके आने वाले समय का जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो भी काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो में तीन स्टॉक्स की तरफ ध्यान देंगे। हम देखेंगे इन स्टॉक्स के फंडामेंटल, टेक्निकल्स और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं और आने वाले समय में क्या ये तीन स्टॉक्स एक मल्टीबैगर बनने की पोटेंशियल रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। Welcome to Fantactic Nifty. Get everything fantastic about the stock market, stock analysis and technical tips only on Fantactic Nifty. दोस्तों अगर अब तक आपने Fantactic Nifty चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और हाँ ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों आज का सबसे पहला जो स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है संदूर मैंगनीज। जी हाँ, ये एक आयरन ओर, मैंगनीज ओर माइनिंग कंपनी है। तो चलिए कंपनी के बारे में जल्दी से जानते हैं कंपनी के वेबसाइट में जाके। ये है दोस्तों संदूर मैंगनीज का वेबसाइट, हम अपने सामने हमने खोल दिया है। सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जल्दी से देख लेते हैं। संदूर मैंगनीज, जैसे कि कई लोग जानते होंगे, संदूर एक जगह का नाम है जो कर्नाटका में है, संदूर हिल्स। तो वहाँ पे वो हिल्स काफ़ी रिच होता है आयरन ओर और मैंगनीज के लिए। तो वहाँ पे इस कंपनी का प्लांट है, इस कंपनी के ऑफिस वहीं पे है संदूर हिल्स के वहाँ पे। तो ये लिखते हैं मैंगनीज माइनिंग बिकम सिनोनिमस टू संदूर हिल्स, जो हमने जैसे बताया था। और इनके इस कंपनी के फाउंडेशन किया है मिस्टर YR घोड़पड़े जी, जो फॉर्मर महाराजा ऑफ संदूर भी थे। और कंपनी के बारे में देखिए, यहाँ पे हमने पहला बताया था कि YR घोड़पड़े जी और MY घोड़पड़े, इन्होंने कंपनी को फाउंडेशन किया है। कंपनी के अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस को देखिए, कई कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं। 5-star अवार्ड रेटिंग फॉर इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और कई सारे ऐसे अवार्ड्स कंपनी को मिले हैं। रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडिंग माइनिंग कंपनी इन कर्नाटका। तो चलिए दोस्तों अभी कंपनी के बारे में जानते हैं कंपनी का बिजनेस और देखते हैं कि क्या क्या करती है। सबसे पहले माइनिंग, जो इस कंपनी का नाम से ही पता चलता है कि मैंगनीज माइनिंग करती है। यहाँ पे देखिए ये लिखते हैं वी ओन द लार्जेस्ट मैंगनीज ओर माइंस इन इंडिया इन द प्राइवेट सेक्टर। तो ये है वो माइन का पिक्चर। मैंगनीज माइनिंग इनका कोर बिजनेस है। फिर फेरो एलॉयज, ये भी ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फेरो मैंगनीज, फेरो सिलिकॉन, सिलिकॉन मैंगनीज और फेरोक्रोम, ये भी अपने प्लांट में ये करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से। फिर पावर प्लांट इनका भी है, कैप्टिव पावर प्लांट, जिसमें ये 32 मेगावाट्स की पावर जनरेशन करते हैं। थर्मल पावर प्लांट है ये, और ये पावर ना कि सिर्फ इनके प्लांट्स को पावर देते हैं और ये इसको कमर्शियलाइज भी किए हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है बिसाइड जनरेटिंग इनकम फॉर द कंपनी, यानी ये पावर भी बेचते हैं और इंटरनल यूज के लिए भी, जैसे स्मेल्टर हो गया, ब्लास्ट फर्नेस हो गया, ये सब का इंटरनल यूज के लिए भी ये खुद के पावर ही यूज करते हैं। उसके बाद आता है बेनिफिकेशन ऑफ मैंगनीज ओर एंड आयरन ओर, फ्रॉम मैंगनीज टू आयरन ओर। तो ये भी ये कन्वर्जन ये लोग करते हैं, ये छोटा सा बिजनेस है। फिर सोलर पावर भी जनरेट करते हैं, 4 kW का सोलर पावर है ये। फिर इंटरनल कंजम्पशन एंड कमर्शियलाइजेशन के लिए भी। और फाइनली हॉस्पिटैलिटी, बहुत बहुत छोटा सा पार्ट बनता है इनके टोटल बिजनेस का। होटल का नाम है शिवा विलस पैलेस, ये भी संदूर में ही है। तो ये भी एक छोटा सा हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी कंपनी के बिजनेस में शामिल है। दोस्तों ये रहा संदूर मैंगनीज का नंबर्स, आपके सामने हमने डाल दिया है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 1145 करोड़, स्मॉल कैप कंपनी है। करंट स्टॉक प्राइस एट 1300 करोड़, बुक वैल्यू एट 665, यानी ओनली प्राइस टू बुक वैल्यू इज ओनली 2। स्टॉक का पीई भी काफ़ी कम है, सिर्फ 8। आगे चलते हैं कंपनी के नंबर्स की तरफ ध्यान देते हैं। ये देखिए कंपनी का चार्ट, स्टॉक का चार्ट, एक अच्छा अप ट्रेंड आता है, फिर डाउन ट्रेंड और उसके बाद रिकवरी। देखिए यहाँ पे लास्ट पोर्शन में कितना सुंदर रिकवरी हुआ है आफ्टर Q1 रिजल्ट के बाद। तो जाहिर सी बात है Q1 का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा। चलिए यही देखते हैं हम लोग आगे चल के Q1 का रिजल्ट कैसा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए नेट सेल्स, बहुत सारे क्वार्टर के नेट सेल्स आपके सामने, आप देखिएगा कि कंसिस्टेंटली लास्ट 5 to 6 quarters सेल्स कैसे ग्रो किया है यहाँ पे आप देखिए। और जून लास्ट क्वार्टर, जून 2018 में देखिए 205 करोड़ का नेट सेल्स,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको अच्छा कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरफ ध्यान दीजिए, 20% के ऊपर हर क्वार्टर में, 29% और लास्ट जून के क्वार्टर में देखिए 41% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये जबरदस्त परफॉर्मेंस है कंपनी के लिए। फिर नेट प्रॉफिट की तरफ भी ध्यान दीजिए, हर क्वार्टर आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। लास्ट क्वार्टर देखिए मार्च से लेकर जून में कितना अच्छा एक जंप हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स का जंप है नेट प्रॉफिट में, 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट। आगे चलते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट की तरफ ध्यान देते हैं। आप देखिए रिजर्व एंड सरप्लस को देखिए, कितना अच्छा सुंदर ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर। रिजर्व एंड सरप्लस मार्च 2018 एज ऑन मार्च 2018 इज 521 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी का। एसेट भी अच्छा ग्रो किया है हर साल, तो बैलेंस शीट भी हमको ठीक ठाक लगता है। आगे चलते हैं दोस्तों, कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 इयर्स इज 29%, जो एक एक्सेलेंट सेल्स ग्रोथ है। EBITDA ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 इयर्स एट 46%, ये भी आउटस्टैंडिंग है। डेट इक्विटी रेशियो नेगेटिव है कंपनी का, यानी कैश सरप्लस है, ये भी एक्सेलेंट है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, ये भी जबरदस्त है। और फाइनली दोस्तों, स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में देखते हैं। ये रहा आपके सामने स्टॉक के रिटर्न्स, 1 मंथ में 40% का रिटर्न, 3 मंथ्स में 26%, 2 इयर्स में देखिए 118%, 3 इयर्स में 107% और 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न। तो ये जबरदस्त रिटर्न कंपनी ने दिया है स्टॉक प्राइसेस ने। और Q1 रिजल्ट के बाद तो आपको हमने दिखाया था कि प्राइसेस कैसे रिकवर कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये प्राइसेस और बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कंपनी का नाम है ऑटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड। जी हाँ, ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है। तो चलिए कंपनी के बारे में जानने के लिए कंपनी के वेबसाइट में चलते हैं। ये हम लोग आ गए हैं कंपनी के वेबसाइट में, ऑटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड। यहाँ पे देखिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स इन्होंने दिया है। एस्टैब्लिश्ड इन 1981, ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है कल्याणी ग्रुप एंड मेरिटर इनकॉर्पोरेटेड यूएसए की। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड एट मैसूर और जमशेदपुर में इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कंपनी मैन्युफैक्चर्स ड्राइव एक्सेल, नॉन ड्राइव एक्सेल्स, और फिर उसके बाद फ्रंट स्टीयरिंग एक्सेल, स्पेशलिटी डिफेंस एक्सेल्स और डिस्क बेड ड्रम ब्रेक, ये सब कुछ ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं। ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में, टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में ये लगते हैं। दे प्रोवाइड दीज प्रोडक्ट्स टू मेजर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रक्स एंड बसेस। तो इनके कई सारे मेजर ग्लोबल कस्टमर्स भी हैं, इन हाउस इंडिया में भी कस्टमर्स हैं। यहाँ पे इनके कैपेबिलिटीज़ के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। एक्सेल बनाते हैं, गियर मैन्युफैक्चरिंग, हीट ट्रीटमेंट, ये सब करते हैं। और यहाँ पे देखिए इनके जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं उनके नाम भी दिए हैं, जैसे वॉल्वो आपको पता होगा इंटरनेशनल कंपनी है, फिर अशोक लेलैंड, हमारे इंडिया के अशोक लेलैंड, ये भी इनके क्लाइंट्स हैं। चलिए आगे चलते हैं कंपनी के, देखते हैं कंपनी के बारे में प्रोडक्ट्स ये क्या मैन्युफैक्चर करती है। सबसे पहले देखिए ये आ गया डिस्क ब्रेक्स, या सॉरी डिस्क ड्राइव एक्सेल्स ये बनाती है कंपनी। तो ये सारे ड्राइव एक्सेल्स हैं जो गाड़ियों के फ्रंट व्हील्स पे लगते हैं। फिर फ्रंट स्टीयर एक्सल्स, ये भी कई तरह के होते हैं, फोर व्हीलर्स के, छोटे गाड़ियों के, कमर्शियल व्हीकल्स के। डिफेंस एक्सल, ये डिफेंस आर्मरी व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, मिलिट्री पर्पस के लिए बनते हैं। ऑफ हाईवे एक्सल्स, यानी हाईवे, ऑफ हाईवे, ऑफ रोडर जो होता है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ATV मशीन्स जो होते हैं उसके लिए एक्सल भी बनाते हैं। नॉन ड्राइव एक्सल्स, यानी जो व्हील्स में नहीं लगते हैं लेकिन ड्राइव शाफ्ट, कैम शाफ्ट, जो गाड़ियों के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि ड्राइव शाफ्ट, कैम शाफ्ट क्या होता है, तो ये सब पार्ट्स भी ये बनाते हैं। फिर ड्रम ब्रेक्स, व्हील्स के लिए ड्रम ब्रेक्स, फोर व्हीलर्स में ये लगते हैं ड्रम ब्रेक्स, और डिस्क ब्रेक्स भी ये बनाते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर दोनों में ये डिस्क ब्रेक्स के एप्लीकेशंस हैं। दोस्तों अभी आगे चलते हैं कंपनी के बारे में कुछ फाइनेंशियल नंबर्स हम लोग देखते हैं। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 2146 करोड़, एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस स्टॉक के 1420, बुक वैल्यू एट 313, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू नियर अबाउट 4.5 टाइम्स है। स्टॉक का PE 21, थोड़ा प्राइसी के साइड में ये है, मीडियम प्राइसी है, ज़्यादा प्राइसी नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों कंपनी के स्टॉक का चार्ट देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आता है, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद देखिए कैसा धीरे धीरे प्राइसेस रिकवरी होना शुरू हुआ है, यानी रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं इसलिए प्राइसेस धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कंपनी के बारे में कुछ लिखा है इन्होंने, प्रोज, कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, आने वाले जो क्वार्टर है ये अच्छा देने की पूरी पूरी संभावना है। कंपनी हैज़ गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45% ओवर 5 इयर्स।
कंपनी हैज मेंटेन्ड अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ अराउंड 24%। चलिए दोस्तों इनके नंबर्स देखते हैं, सेल्स फिगर्स देखते हैं। सेल्स देखिए लास्ट 4-5 क्वार्टर में कितने अच्छी तरीके से ग्रो किया है। लास्ट जून क्वार्टर में 474 करोड़। अगर सितंबर से आप कंपेयर करें तो अराउंड आपको 35% सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। उसके बाद चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं। नियर अबाउट 11% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ये मेंटेन कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 क्वार्टर्स। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट में आपको थोड़ा सा स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप कंसीडर करें सितंबर 2017 से जून 2018 ये 4 क्वार्टर में नियर अबाउट 40% का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। आप देखिए 20 से 28 नियर अबाउट 40% का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आगे चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस को देखिए, आप हर क्वार्टर में आपको रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज देखने को मिलेगा हर क्वार्टर। आप ध्यान दीजिए, कहीं से 2007 से शुरू करके आप देखिए हर क्वार्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो उसके बाद चलते हैं देखते हैं कंपनी के एसेट्स। एसेट्स में भी अच्छी बढ़ोतरी है, आप देखिए हर क्वार्टर अच्छे एसेट बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों कंपनी के बारे में कुछ फाइनेंशियल नंबर्स की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 ईयर्स 20%, जो कि काफ़ी अच्छा है। इबिडा ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 ईयर्स एट 42%, एक्सेलेंट इबिडा ग्रोथ है। डेट इक्विटी रेशियो नेगेटिव है कंपनी के, जो कि एक काफ़ी एक्सेलेंट साइन है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 11%, जो अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। आगे चलते हैं दोस्तों कंपनी के स्टॉक के रिटर्न्स की तरफ ध्यान देते हैं। आपके सामने स्टॉक रिटर्न्स ये रहा, 1 मंथ में 16%, 3 मंथ्स में 14%, 6 मंथ्स में नेगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर में ऑलमोस्ट डबल, 2 ईयर्स में 116%, 3 ईयर्स में 108% और 5 ईयर्स में 620%। तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है 5 ईयर्स 10 ईयर्स में ये कंपनी ने। और Q1 का रिजल्ट कंपनी का तो काफ़ी अच्छा है, हमने आपको दिखाया। तो Q1 रिजल्ट के बाद स्टॉक प्राइसेस रिकवरी होने शुरू हुए हैं, हमें उम्मीद है आगे चल के प्राइसेस और भी रिकवर होंगे और रिटर्न्स जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। और फाइनली दोस्तों थर्ड कंपनी जो है उस कंपनी का नाम है कांची कर्पूरम लिमिटेड। कर्पूरम यानी कैम्फर, आप जानते ही होंगे कैम्फर क्या होता है। तो चलिए कंपनी के बारे में जानते हैं कंपनी के वेबसाइट पे जाल के। ये है कंपनी का वेबसाइट कांची कर्पूरम लिमिटेड। यहाँ पे डिटेल्स थोड़ी सी दिया हुआ है। इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1992, कांची कर्पूरम लिमिटेड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर्स कैम्फर एंड इट्स डेरिवेटिव, जैसे कि गम रेजिन्स है, वैल्यू एडेड रेजिन्स, ये सब है। दिस कंपनी इज इन द एरिना फॉर मोर देन 2 decades एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब है। मेन प्रोडक्ट इज कैम्फर, जो हमने बताया था। बिसाइड कैम्फर एंड इट्स डेरिवेटिव, KKL अदर प्रोडक्ट सच एज गम रेजिन्स, रेजिन्स डेरिवेटिव, ये सब भी बनाते हैं। दिस कंपनी इज ISO 9001:2008 सर्टिफाइड कंपनी है और ये सिचुएटेड है 70 किलोमीटर्स फ्रॉम चेन्नई से। तो ये हैज़ दिस कंपनी हैज़ एडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल मेजर एंड दीज थिंग्स है। KKL enjoys patronage with various clients including corporate and its various products. तो चलिए देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। जैसे कि हमने बताया था मेन प्रोडक्ट है कैम्फर यानी कर्पूर, जो बोलते हैं, जो आप लोग जानते ही होंगे कि उसका एप्लीकेशन क्या है। फिर कैम्फीन, डायप्टिन, ये सारे डेरिवेटिव्स है कैम्फर के। आइसोबोन एसीटेट, फिर पाइन पिच, सोडियम एसीटेट, ये सब इंडस्ट्रियल कमोडिटी केमिकल्स हैं। हमारे आपके काम नहीं लगता है, हमारी डेली जिंदगी में तो नहीं लगता है, लेकिन ये सब केमिकल को इस्तेमाल करके और केमिकल्स बनाए जाते हैं। और तो ये कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। तो चलिए कंपनी के बारे में कंपनी के नंबर्स देखते हैं। कांची कर्पूरम लिमिटेड, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ओनली 211 करोड़, एक माइक्रो कैप कंपनी है। करंट स्टॉक प्राइस इज एट 510 रुपीज़ के आसपास, बुक वैल्यू अराउंड 80 रुपीज़, तो नियर अबाउट 6.5 टाइम्स है बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू। स्टॉक का पी सिर्फ 9, काफ़ी चीप है अभी फिलहाल मार्केट प्राइस में। आगे चल के दोस्तों आपको स्टॉक के चार्ट को दिखाते हैं। ये देखिए चार्ट, सरप्राइजिंगली देखिए Q1 रिजल्ट के बाद एकदम आसमान छूता हुआ चार्ट का मूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा है। उसके अलावा भी कंसिस्टेंटली अच्छा एक ट्रेंड आपको चार्ट में देखने को मिलेगा, एक ऊपर की तरफ ट्रेंड चलता है, फिर यहाँ पे फ्लैट है थोड़ा सा, और Q1 रिजल्ट देने के बाद तो एकदम आसमान चीड़ के ऊपर निकल गया। आगे चलते हैं दोस्तों कंपनी के बारे में कंपनी के नंबर्स को देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेल्स फिगर्स आपको देखें, आप अगर देखेंगे तो कंसिस्टेंटली हर 6-7 क्वार्टर्स अच्छा ग्रोथ दिखाया है सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखिए, अबव
20% हर क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट वाला क्वार्टर जून क्वार्टर में 31% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जबरदस्त परफॉर्मेंस। नेट प्रॉफिट आप देखिएगा, एक समय ओनली 30 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था मार्च 2017 में, वहां एक साल में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, 30 लाख से सीधा 4.65 करोड़, यानी 11 टाइम्स के आसपास हो गया है इनका प्रॉफिट। हर क्वार्टर देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ, जून 2017 से सितंबर 2017 में प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल। आगे चलते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ ध्यान देते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको कंसिस्टेंटली अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ कैश सरप्लस देखिए, रिजर्व्स देखिए, कैश रिजर्व्स को ऑलमोस्ट डबल हो चुका है मार्च 2016 से मार्च 2017 में। अदर एसेट्स में भी आपको स्टेबिलिटी दिखेगा, बढ़ता हुआ एसेट्स तो नहीं है लेकिन काफ़ी स्टेबल एसेट क्वालिटी है अगर आप इस फिगर्स को देखें। आगे चलते हैं दोस्तों, कंपनी के बारे में कुछ फाइनेंशियल नंबर्स की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 ईयर्स एट 25%, एक्सेलेंट सेल्स ग्रोथ है। इबिटडा ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स 62%, जबरदस्त इबिटडा ग्रोथ है। 62% का इबिटडा ग्रोथ कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। डेट इक्विटी रेशियो 1.35 ये एवरेज है, एक्चुअली डेट इक्विटी रेशियो बिलो 1 होता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन ये भी ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 18%, ये भी ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न, अभी स्टॉक रिटर्न की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। आप देखिए, आपको हमने चार्ट ऑलरेडी दिखाया था, तो वन मंथ में सीधा 101% का रिटर्न, यानी एक महीने में पैसा डबल। 3 मंथ्स में 91% का रिटर्न, 6 मंथ्स में 100% का रिटर्न, 1 ईयर में अराउंड 800% का रिटर्न, 2 ईयर्स में 1389% और 3 ईयर्स में नियर अबाउट 2200% का रिटर्न। तो आप समझ सकते हैं 3 साल में कंपनी ने 2200% का रिटर्न दिया है, ये कोई आम बात नहीं है। एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फाइनेंशियल नंबर्स देने के बाद ही कोई स्टॉक्स ऐसे ज़बरदस्त रिटर्न देता है, तो आपको ऐसे रिटर्न से ही पता चलता है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है। Q1 के बाद तो आपने स्टॉक का चार्ट देखा ही है कितना अच्छा हुआ है। तो दोस्तों, इन समरी ये 3 स्टॉक्स हमको दिखे कि Q1 के नंबर के मुताबिक, इन स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के मुताबिक कंपनी के जो परफॉर्मेंस दिया है, इसलिए स्टॉक्स काफ़ी अच्छा मूवमेंट अभी कर रहा है। Q1 के फिगर्स इनके अच्छे हैं और आने वाले समय में भी इन 3 कंपनीज के प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं, तो हमें लगा कि आपके सामने हमको ये 3 स्टॉक्स को शेयर करना चाहिए, तो हमने किया। तो आप इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं फैंटास्टिक निफ्टी पेज फेसबुक या ट्विटर में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए फैंटास्टिक निफ्टी चैनल, हमारे इस लोगो को क्लिक करके और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमारे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकते हैं इन थंबनेल्स पे क्लिक करके। आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए शुक्रिया एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।